अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, अब इस वीडियो में हमने एक और क्लास सिक्स कैम्ब्रिज के हवाले से एक वर्कशीट शेयर कराई है फैक्टर्स की। तो उसमें जो हमने काफ़ी डिटेल में बताया है, और फैक्टर्स और मल्टीपल्स का टॉपिक जो है वो लाजमी आता है BVS मामा पारसी या सेंट पैट्रिक के कैम्ब्रिज के टेस्ट में। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर वर्कशीट्स। हम देख रहे हैं, ठीक है। तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी वो है। बहरहाल, तो सबसे पहला जो हमारे पास चीज़ हमें निकालनी है, उसमें क्या है हमारे पास, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसके फैक्टर निकालने। देखो, फैक्टर निकालने का आसान तरीका मैंने बताया हुआ है हमें उनको पहले, कि 42 कौन कौन से टेबल में आता है। तो अब देखो, सारे टेबल्स को तुम बनाने में फिर वो होता है ना कि 2 में आता है, 3 में आता है, 4। तो हम क्या करते हैं कि उसका टेबल पढ़ लेते हैं कि अगर इस टेबल में, अगर 2 के टेबल में आ रहा है 21 का, तो 21 के टेबल में भी आएगा 2 का। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 200 सेम है। तो सबसे पहले 42 को हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलेंगे, ग्रेजुअली चलेंगे, 2 चलेंगे, 3, 4, 5, 6 इस तरह चलेंगे। ऐसे नहीं कि अचानक से बीच बीच से कोई टेबल उठाना, ठीक है। तो हमको किस में चलना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही चलना है, ठीक है। पहले छोटा लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 2 के टेबल में 42 कब आता है, 21 ज़्यादा। सेम एज 3 के टेबल में कितने ज़्यादा आता है, 14 ज़्यादा, ठीक है। और 6 के टेबल में कितने ज़्यादा आता है, 7 ज़्यादा, सही। फिर हमको अगर एक साथ लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, फिर 7, फिर 14 और फिर 20। ये सारे इसके फैक्टर। अब इसी तरीके से अगर मैं 49 की बात करता हूँ, तो 49 तुम्हें पता है कि हमारे पास जो है वो एक और नंबर है, ठीक है। तो अब 2 के टेबल में तो ये आ नहीं सकता, ठीक है। 3 के टेबल में आता है 49, अब हाँ 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम चेक करना चाहें 3 × 3 = 1, या 19 तो 3 टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 के टेबल में आता है 49 नहीं आता। 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 1 के टेबल में आता है, लेकिन 149 और किस टेबल में आता है, 7 के टेबल में, 7 × 14 और 8 के टेबल में, 9 के, अब इस मेरे ख्याल में किसी के टेबल में दिया था। तो फैक्टर ऑफ 49 क्या होगा, 1, 7 और 14, ठीक है। और इसका एक पॉइंट क्योंकि 1 के टेबल में तो आता ही आता है, सही है, ये बात समझ में आ गई। अब ये 26 है हमारे पास, वो क्या है 26। अब 26 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है 26, चेक करो, इवन नंबर है, इसको तोड़ने का तरीका होता है। देखो, जैसे 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, 13 का कितना होता है 26। और आई थिंक ये किसी टेबल में भी नहीं आता, और किसी टेबल में आता, 13 के टेबल में आता है, 13 × 2। तो फैक्टर क्या बन गया इसके, 13, 1, 2, 13 और 26, ठीक है, इजी। बाकी का ये 88 का तुम खुद बना लेना, बहुत आसान है। इसके बाद वाला देख लो, इसमें क्या है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द गिवन। मिसिंग फैक्टर यानी कि 45 तो मैं लेके आना है, तो 5 के टेबल में कितने ज़्यादा आता है 45, 5, 9 = 45, ठीक है। इसी तरीके से 21 कितने ज़्यादा आता है 7 के टेबल में, 7, 6, ठीक है।
ठीक है, बाकी ये सारे खुद से देख लो। अब जैसे ये तुम्हें लिखा हुआ ना कि 2 से 6, 6 से 12, ठीक है, 12 के बाद अब 60 कितने का आएगा वो तुम लिख देना। जैसे 12 जैसे तुम्हारे पास है ना 2 से 6, 6 से 12, अब कितने का आएगा 6, तो हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 1 कैरी, ठीक है, 12 5 होते 6, तो ये इसके फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है, बाकी के आसान है। सेम है हमारे पास ये वाला 18 वाला देख लो। अब वही जो मैंने पीछे बताया तुमको, सवाल है लिस्ट द फैक्टर पेयर्स फॉर ईच ऑफ द नंबर, देन लिस्ट द फैक्टर इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू द ग्रेटर, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अब 18, अब पहले तो तुम लिख लो कि 18 1 18 होते हैं, अब 18 कितने ज़्यादा, 2 9 18 होते हैं, ठीक है, और 3 3 6 18 होते हैं, और ठीक है 3 6 हो गए, फिर 4 के जमने में नहीं आता, 5 के नहीं आता, 6 के आता है, 7 के 8 के 9 के आता है, तो इसकी क्या बन गया हमारे पास फैक्टर 1 2 3 6 9। आसान है, इसी तरह 32 वाला करना, 20 वाला कर लेना, ठीक है, 21 का होगा, 2 10 का होगा, फिर 3 में नहीं आता, 4 में नहीं, 4 में आता है, 4 5 का होगा, और तो नहीं होगा, फिर वो सारे तुम साथ साथ देख लेना, 6 का देख लेना, ठीक है, सही है, इसी तरह फिर हम उसका देख, सही है। तो ये हमारा जो है आज का फैक्टर का छोटी सी एक वर्कशीट है, इसका टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इसको कल देखें, ठीक है।